दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री के दबंग खान यानी कि सलमान खान को बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी पहचान की जरूरत नहीं है। इन्होंने अपने लंबे करियर में बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। हाल ही में इनकी दबंग 3 मूवी रिलीज हुई है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई है। इस फिल्म के बाद अब दर्शकों को इनकी दूसरी फिल्म का बेसब्री से इंतजार है और वे जानना चाहते हैं कि भाईजान की अगली फिल्म कौन सी होगी और उस फिल्म की कहानी क्या रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सलमान खान की अपकमिंग मूवी की जानकारी लाए हैं। तो अगर आप भी दबंग खान के फैन हैं, तो इनके अपकमिंग मूवी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। और साथ ही इस दमदार एक्टर के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साल 2009 में आई फिल्म वांटेड, जिसमें मुख्य कलाकार के रूप में सलमान खान, आयशा टाकिया, विनोद खन्ना और प्रकाश झा व अन्य कलाकार नजर आए। इस फिल्म को प्रभु देवा द्वारा डायरेक्ट किया गया था और यह फिल्म तेलुगु का हिंदी रिमेक थी। इस फिल्म को दर्शकों के द्वारा बेहद पसंद किया गया था। इस फिल्म की कहानी राधे यानी सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा होता है, जो कि जानवी यानी आयशा टाकिया की मदद करता है। इंस्पेक्टर तलपड़े यानी कि महेश मांजरेकर से, जो कि अक्सर जानवी को परेशान करता रहता है। गणी भाई यानी कि प्रकाश राज, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन होता है और उसके कुछ गैंग मुंबई में होते हैं, जिसके आतंक से मुंबई में आए दिन अपराध होते रहते हैं, जिसे रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान इस अपराध को मिटाने का फैसला लेता है। और इसी बीच गणी भाई जब भारत लौटता है तो उसे वह पकड़ लिया जाता है, जिसे छुड़ाने के लिए उनकी गैंग कमिश्नर की बेटी का अपहरण कर लेते हैं और उसका अश्लील वीडियो बना कर वायरल करने की धमकी देते हैं। अपनी बेटी को बचाने के लिए कमिश्नर गणी भाई को छोड़ देता है, लेकिन वह कमिश्नर की बेटी नशे की हालत में उसे बता देती है कि एक पुलिस वाला उसी की गैंग में घुसकर उन सब को मारने वाला है। और ये बात गणी भाई को पता चलती है तो वह रिकॉर्ड चेक करवाता है। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार वह श्रीकांत यानी कि विनोद खन्ना का बेटा है, जो उसे पकड़ने के लिए आया होता है। गणी भाई उसके पिता श्रीकांत से उसके बेटे के बारे में पूछताछ करती हैं और वह उसे मार देते हैं। तभी से पता चलता है कि अजय उसका गोद लिया बेटा होता है। अपने पिता की मौत की खबर सुन राधे, जो असल में राजवीर शेरावत, अपने भाई और पिता का बदला लेने के लिए राजवीर एक एक कर सभी गुंडों को मारने लगता है और कमिश्नर की बेटी को बचा लेता है। अंत में वह गणी भाई को भी मार देता है और फोन कर बोल देता है कि मुठभेड़ में इंस्पेक्टर तलपड़े ये भी मारा गया, और कहानी समाप्त हो जाती है। और इस पूरी कहानी को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया गया था। हाल ही में सलमान खान की दबंग 3 रिलीज हुई है। फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया है और अभी ये फिल्म है 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस फिल्म के बाद भाईजान इंशाअल्लाह लेकर आने वाले। आपको बता दें, फिल्म इंशाअल्लाह नहीं आएगा क्योंकि इस दिन फिल्म को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, सलमान की तेरे नाम और वांटेड मूवी के कैरेक्टर को लोगों ने खूब पसंद किया था। एक बार फिर सलमान राधे के रोल में नजर आने वाले हैं, लेकिन हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, सलमान खान वांटेड का सीक्वल लेकर आने वाले हैं। इस फिल्म को सलमान खान के प्रोडक्शन तले बनाया जाएगा, साथ ही मूवी को एक बार फिर प्रभु देवा डायरेक्ट करते नजर आएंगे। इस बार भी फिल्म की कहानी अंडर कवर पुलिस ऑफिसर की ही होने वाली है। अगर बात करें फिल्म में स्टार कास्ट की, तो आपको बता दें, फिल्म में एक बार फिर सलमान खान नजर आने वाले हैं। वहीं फिल्म में आयशा टाकिया की जगह हमें कौन सी एक्ट्रेस अभिनय करती नजर आने वाली है, इस बात पर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन देखना ये होगा कि विलेन के कैरेक्टर के लिए किसे अप्रोच किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको सलमान की अपकमिंग मूवी वॉन्टेड 2 का कितना बेसब्री से इंतजार रहेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े ऐसी और खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।